इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की इस रूलिंग पार्टी के नेता। इरशाद अहमद खान, आप जिसको आतंकवादी कह रहे हैं वो तो आप पे भारी पड़ जाएगा और उसकी मदद आप ही लोग कर रहे हैं, जिस तरह के आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको आतंकवादी कह रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अभी तो हमने तेल लगाया, इसकी धार बाद में नजर आएगी। जैसे ये रंधा फेरने की बात करता था शहबाज गिल, अभी रंधे की छुरी भी तेज नहीं की थी राणा सनाउल्ला साहब ने, तो इनकी चीखें ऐसे निकली जैसे रंधा इन पे फिर गया। अभी बात यह है कि अभी ये जमानत की तरफ भाग रहे हैं, पहले ये कहते थे मैं मुकाबला करूंगा, मैं जेलों में जाऊंगा, जैसे जैसे ये शेख रशीद साहब कहते हैं। ये पहली बार थोड़ी ना है जब पाकिस्तान के किसी नेता को जेल में डाला गया हो। सुन लीजिए, इतिहास गवाह है, आप लोगों ने तो चौराहों पर अपने अपने जो हुक्मरान है उनको फांसी पर लटका दिया है, ये तो जेल की बात कर रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये कहते थे कि जेल हमारा दूसरा घर है, तो भाई जमानत क्यों करा रहे हैं आप? जेल की तैयारी कीजिए, आपके लिए चारपाई भी तैयार है, बेड भी तैयार है, हम आपको जमीन पे नहीं सुलाएंगे। जैसे आपने हमारे लीडरों को जमीन पे सुलाया, पंखा बंद किया, एसी उतार लिया गया, टीवी उतार लिया गया, क्यों? कि सजा देनी है जी भाई, तुमने सजा देनी है। मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ को सजा दी आपने, वो बेटी थी उनकी, वालदा वहां बीमार थी, मरने के करीब। अच्छा, तो बदला लिया जा रहा है? मैं नहीं लिया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ इनके साथ तो वो किया ही नहीं है। रात गिरफ्तार हो सकते थे, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देख लो शायद ये सुधर जाए। हाँ साहब, आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अब इमरान की गिरफ्तारी के आदेश पर एक्शन में पीटीआई भी नजर आ रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बनिगाला में जुटने की अपील की जा रही है। इमरान खान के समर्थन में अब जुटने लगे हैं पीटीआई के कार्यकर्ता और पार्टी का पैगाम जल्द से जल्द बनिगाला पहुंचे ये भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हम मौजूद हैं और आप सब भी यहाँ पहुंचे, लोग जो अभी अभी उठे हैं वो यहाँ पहुंचे, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स की और फैमिलीज, यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और आपके मुंतजर हैं। अब आप आए यहाँ पहुंचे और हमें ज्वाइन करें यहाँ पर, हम सब ने इंशाल्लाह मिलकर हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। चलो चलो बनिगाला चलो, ये पैगाम है, आप जल्दी से यहाँ बनिगाला पहुँचें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देखिए बनिगाला में किस तरह से इमरान खान की पार्टी के समर्थक, पार्टी के नेता इकट्ठे होने लगे और एक तरह से आवास की घेराबंदी पूरी तरह से कर दी गई।